तो हेलो पोस्ट, तुम सभी का स्वागत है रोडगेम में। तो हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पी लेट्स प्ले सीरीज हमारी एपिसोड 40। तो यार हम एपिसोड 40 तक पहुंच चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपने वर्ल्ड का एक डाउनलोड लिंक दे दें। ठीक, तो उसके लिए आपको करना क्या, आपको अगर डाउनलोड करना है, खेलना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो जिससे आप खेल सकते हो। तो उसके आगे का मैंने अलग रिकॉर्ड किया है, तो उसको आप देख लो। सो ठीक है गाइस, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को आप जब खोलोगे तो आपको ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बस सिंपली इस डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है और डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है। आपको अपने डाउनलोड्स में जाना है, फिर आप जिसने डाउनलोड, जैसे डीजी वर्ड, एमसी वर्ड, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको देखना है कि यहाँ पर माइनक्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। फिर वो माइनक्राफ्ट में क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे माइनक्राफ्ट में क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ माइनक्राफ्ट ओपन होगा आपका, और ये देख सकते हो लेवल इंपोर्ट स्टार्टेड। फिर लेवल इंपोर्ट स्टार्ट हो चुका है और लेवल इंपोर्ट फिनिश सक्सेसफुली। तो आपका जैसे आएगा तो एक क्रिएटिव मोड में आएगा। एक चीज़ याद रखना, ये क्रिएटिव मोड में आएगा, डायरेक्ट सर्वाइवल में नहीं आएगा। तो आपको इसमें जाना है टिक में और इसको सर्वाइवल कर देना है, आपकी मर्जी। और ये तो मेरा एक नहीं, ये कैसे क्रिएटिव हुआ भाई? ओके, दोनों कैसे क्रिएटिव हो गए थे? अब देखो एक रहे, ये दोनों ओके दोनों क्रिएटिव हो गए और दोनों सर्वाइवल हो गए। ओके ठीक है, तो मेरे को तो बस एक को डिलीट करना है क्योंकि मेरे एक पहले से ही है। मैं ये इस वाले को डिलीट कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास एक वर्ल्ड मेरा पहले से ही है, तो कुछ ऐसे आप कर सकते हो मेरा वर्ल्ड खेलने के लिए। तो ठीक है, तो ठीक है गाइस, होपफुली आप समझ गए होगे ये कैसे आपको डाउनलोड करना। बहुत सिंपल है। तो बेसिकली आज हम बीकन के बारे में बात करेंगे। बीकन, तो बीकन के बारे में आप क्या जानते हो? कुछ नहीं भाई, जानते होगे यार, ऐसा मत करो। ठीक है, तो बीकन के लिए आपको क्या करना होता है, आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो आपको बीकन का होता क्या, मैं आपको बता दूँ, वो एक होता है नेदर स्टार से जो बनता है, जो आपको पावर देता है लाइक अ पोशन, लेकिन वो अल्टीमेट क्या, अनलिमिटेड पावर देते रहता है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो आपको बस करना क्या है, उसके लिए आपको उसके लिए चाहिए रिसोर्सेज, यानी कि आयरन या फिर गोल्ड या फिर एमरल्ड या फिर डायमंड के ब्लॉक्स। तो हम इस्तेमाल करेंगे आयरन, गोल्ड और एमरल्ड। एमरल्ड मैं एक ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। देख सकते हो आपको मेरे इन्वेंट्री में जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं, आपको एक पूरा बीकन का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इतना ब्लॉक्स चाहिए। इतने टोटल ब्लॉक्स आप काउंट कर सकते हैं पॉज करके, इतने ब्लॉक्स आपको इन टोटल चाहिए। आप चाहो तो कोई लेयर ना बनाओ, मतलब नीचे का लेयर ना बनाओ, आपकी मर्जी। आपके पास जब रिसोर्सेज आप धीरे धीरे बना लो। तो मेरे पास तो रिसोर्सेज है तो मैं पूरा ही बनाऊंगा। तो टोटल ये होता है 5 लेयर्स का, 5 लेयर होते हैं इसमें। तो आपको धीरे धीरे सब बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कितने कितने ब्लॉक्स के होते हैं वो। तो पहला लेयर जो होता है वो होता है 9x9 का एक क्यूब। तो 9x9 का क्यूब के ऊपर होता है एक 7x7 का स्क्वायर। 7x7 के स्क्वायर के ऊपर होता है 5x5 का स्क्वायर, और 5x5 का स्क्वायर के ऊपर होता है 3x3 का एक क्यूब, और 3x3 का क्यूब के ऊपर होता है हमारा बीकन। तो कुछ ऐसा होता है, तो मैं आपको हर को बारी बारी अच्छे से बताऊंगा। तो ये जो आप देख सकते हो स्टोन, ये है टोटल, इन टोटल 10x10 का स्क्वायर ये, 10 ब्लॉक्स इंटू 10 ब्लॉक्स। हमको भाई 9 ब्लॉक्स से काम है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देख सकते हो टोटल 9 हुआ। अभी साइड भी 2, मतलब ये इसको भी गिन रहे हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी साइड भी 9 ही है, ऑब्वियस ही बात है। तो ये हो गया 9x9 का क्यूब, ऐसे कुछ क्यों बन गया। फिर वो करना क्या है, आपको पूरे में से फिल कर देना है ये आयरन या फिर आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो। मोस्टली तो लोग आयरन ही करते हैं क्योंकि ये कॉमन है। तो आपको इसको पूरे में फिल कर देना है कुछ ऐसे। ओके, हमारे ब्लॉक्स ख़त्म हो रहे हैं भाई, ये आपको पूरे में ऐसे फिल कर देना है। फिर आपको करना क्या, आपको इसके ऊपर ये वाला ब्लॉक यानी कि ये वाला रॉ छोड़ के आपको इसमें रखना है 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3
4, 5, 6 और ये 7। तो हमारे पास 7 भी आ गए, तो ठीक है। तो अब इसको पूरा फिल कर देता हूँ हमारे आयरन ब्लॉक से। फिर हमको बनाना है 5x5। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ब्लॉक्स ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ कि जो हमारे मिडिल ब्लॉक्स और कॉर्नर ब्लॉक्स है उसको मैं निकाल के गोल्ड में लगाऊंगा, ताकि अच्छा दिखे और क्रिसमस भी आ रहा है तो थोड़ा गिफ्ट टाइप का बन जाएगा वो। तो इससे हमारे आयरन ब्लॉक्स भी बचेंगे। तो देख सकते हैं मैं अभी आयरन ब्लॉक निकाल रहा हूँ ताकि हम कर सकें ये काम। और यहाँ पर जितने भी मैंने आयरन ब्लॉक्स निकाले हैं उसकी जगह मैं गोल्ड लगाऊंगा। हम ऊपर वाले लेयर में भी करेंगे ये सब सेम टू सेम, ताकि हम ऊपर वाले लेयर में भी गोल्ड लगा सकें। और भाई मेरे को माइनक्राफ्ट ना आजकल खेलने का मन नहीं करता, जब से नया अपडेट आया है इतने ग्लिच आ गए ना भाई, कभी कंट्रोल जाम हो जाते हैं तो कभी अपने आप जंप लगाता है बंदा, तो ये बहुत गुस्सा लगता है। और मेरे को यकीन है आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसे ग्लिच हुए ही होंगे। तो अब इसको हम ऊपर लगा देते हैं, हमको ऐसे आपको लगा देना है टोटल ऐसे कुछ। और इसके भी हम कॉर्नर ब्लॉक्स निकाल लेते हैं। ओके, अटक मत, फिर अटक रहा था ये। ओके, हमको तो भाई कॉर्नर ब्लॉक से मतलब, यहाँ के भी कॉर्नर ब्लॉक्स और यहाँ का भी मिडिल ब्लॉक और यहाँ का भी कॉर्नर ब्लॉक, यहाँ का भी मिडिल ब्लॉक। अब हम अंदर को फिल कर सकते हैं कुछ ऐसे। अब हमको 3x3 का एक वो बनाना है उस ऊपर का हिस्सा, लेकिन हम गोल्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कॉर्नर ब्लॉक्स पे गोल्ड ना लगाऊं। भाई ये कहाँ से आ गई यार। ओके, खात्मा। ओके, पहले इसका फेंक दिया जाइए और हम पे गोल्ड भी लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि चल क्या रहा है। तो ये मैं लगा दिया गोल्ड, यहाँ का ब्लॉक करो। तो ठीक है, बेसिकली लग गया सारा गोल्ड और सारा आयरन। अब यहाँ पर लगेगा एमरल्ड जो कि हमारा सेंटर ब्लॉक है। तो देख सकते हैं हमारा बीकन का प्लेटफॉर्म पूरा बन चुका है, इसमें हमको बीकन रखना है। तो ये रख दिया हमने बीकन और देख सकते हैं इसके बीम निकलना चालू हो चुकी है। तो इसके पावर रेडियस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इस साइड यानी कि इस साइड वो 50 ब्लॉक्स तक जाता है, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, और ऊपर नीचे टोटल 256 तक जाते हैं। जैसे कि आप मेरा देख सकते हो पोजीशन में 64 में हूँ अभी मैं करेंटली, तो 0 से 256 तक जाता है इसका पावर। तो अब इसका पावर होता क्या है मैं आपको बता दूँ। तो इसके दो पावर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो हम पहले प्राइमरी से चालू करते हैं। तो अगर आपने सिर्फ ऊपर का लेयर बनाया है यानी कि फर्स्ट लेयर बनाया है 3x3 का, आपको दो पावर मिलेगा। स्पीड पहला जो कि आपको नाम से पता चल रहा है ये करेगा क्या, आपको स्पीड भगाएगा कुछ ऐसे। और सेकेंडरी पावर मतलब सेकेंड पावर जो है मैं आपको बताता हूँ क्या है। सेकेंड है हेस्ट। तो हेस्ट क्या काम आता है मैं आपको भी बताता हूँ। तो हेस्ट मिल चुका है, तो देख सकते हो कुल्हाड़ी का आइकन आ रहा है, तो समझ ही सकते हो कि किस काम का होगा। तो ये ना फास्ट ब्लॉक को तोड़ने में काम करते हैं जस्ट डबल स्पीड से। और बाय द वे गाइस, बीकन की अगर आपको रेसिपी नहीं मालूम तो ये होता है बीकन का रेसिपी, बीच में एक नेदर स्टार और साइड साइड में ग्लास और नीचे में ऑब्सीडियन। तो ये होता है बीकन का रेसिपी, अगर आपको नहीं मालूम तो देख लो। तो अब मैं फिर से ऊपर जाता हूँ हमारा और पावर एक्सप्लोर करने। तो ठीक है, अब सेकेंड लेयर अगर आपने बनाया 5x5 का तो आपको मिलता है रेसिस्टेंट। बताता हूँ क्या होता है ये। तो अभी रेसिस्टेंट मिल गया, अब मैं आपको ऊपर से गिर के दिखाता हूँ। तो ठीक है, अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ से गिरता हूँ। तो देख सकते हो मेरे को 0 हार्ट का डैमेज हुआ। अगर मैं अभी रेसिस्टेंट नहीं होता तो मिनिमम मेरे को 1 हार्ट का डैमेज होता, तो आधा हार्ट का सॉरी, क्योंकि देखो रेसिस्टेंट आपको जो डैमेज है उसको जस्ट 50% कम कर देता है। तो हम फिर से जाते हैं इसमें। और ये है डबल एरो, अगर आप सोच रहे हो क्या है, तो ये है जंप का आइकन। तो अब मैं यहाँ पर 1.5 ब्लॉक यानी कि 1.5 ब्लॉक
जंप लगा पा रहे हो तो यहाँ पर हम लंबा लंबा जंप लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बंदा फेंस से जंप करेगा कि नहीं, तो बिल्कुल आराम से करेगा यार। तो आलू निकल आए, ओके, बहुत आसानी से फेंस को जंप कर पा रहा है ये कुछ ऐसे। तो ये होता है जंप। और नेक्स्ट पावर और लास्ट पावर की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर है, यह है स्वॉर्ड का आइकन जो बना है ये क्या है अगर आप सोच रहे हो तो भाई स्ट्रेंथ का, तो जिससे आपका जो डैमेज है मतलब डैमेज जो आप दोगे, जैसे मैं सिर्फ मारा तो ये वन हिट किल हो गई, मतलब वो तो हो नहीं था, डायमंड स्वॉर्ड है अच्छे इंटेंट्स के साथ, लेकिन आपको जब डैमेज होता है जस्ट डबल हो जाता है। तो अब यहाँ पर होता है एक सेकेंडरी पावर, तो मैं पहले स्पीड लूँगा और ये मैंने स्पीड पर क्लिक किया तो मेरे को सिर्फ स्पीड मिलेगी, लेकिन अगर मैं हर्ट पे भी क्लिक किया तो मेरे को सेकेंडरी पावर भी मिलेगा जो कि है रीजनरेशन। ओके मच्छर था भाई, तो रीजनरेशन में होगा क्या, आप मेरे हर्ट्स पे देख सकते हो वो बार बार हिल रहे हैं, मतलब बार बार रिस्टोर हो रहे हैं। तो अगर मेरे को हल्का सा भी डैमेज होता है तो और मैं इसके रेडियस में हूँ तो तुरंत पूरा रिकवर हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो रिकवर हो चुका है, जबकि मेरा हंगर बार पूरा हाफ था, ऑलमोस्ट हाफ था। तो ये होता है रीजनरेशन। तो यार यही सब होता है पावर बीकन के। और अभी मेरे को थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा, आवाज़ भी थोड़ी ख़राब है, तो अभी मैं सोचता हूँ वीडियो एंड कर दिया जाए। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लिमिटलेस की लिमिटलेस दुनिया में आने के लिए हमको सब्सक्राइब करना ना भूलिए।